हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है कोविड थर्ड वेव, कितनी अलग कितनी खतरनाक। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, तीसरी लहर पहली दो से कितनी अलग होगी यह जानेंगे, सरकार का क्या कहना है इस बारे में वह जानेंगे, प्रभाव आगे की रहा और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। वर्तमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश भर में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अब देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। इस मामले में सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर तय है, लेकिन यह कब आएगी और इसका स्तर क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। आइए जानते हैं तीसरी लहर पहली दो से कितनी अलग होगी। कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी हो गई है, साथ ही देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई दिख रही हैं। ऐसे में अब भारत में कोरोना की एक और लहर चेतावनी की दस्तक देती नजर आ रही है। दरअसल वायरस के बढ़ते संचरण को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा अब देश में इसकी तीसरी लहर अवश्यंभावी मानी जा रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच वायरस का जीव विज्ञान बदल गया है, क्योंकि जिस प्रकार देश की जनसंख्या का अब बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में महामारी के तीसरे चरण में वायरस में बदलावों का आना तय है। 2019 और 2020 में यह वायरस एक ऐसी कुंजी के रूप में फैला जो हर ताले में फिट हो जाए, जबकि अब 2021 में यह इससे भी ज्यादा प्रभावी बनकर उभरा है, जो लगभग सभी लोगों में अपनी पकड़ बना रहा है। इस समय देखा जाए तो भारत में वायरस के कई वेरिएंट सक्रिय हैं और ये वेरिएंट अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में संक्रमण फैला रहे हैं। संक्रमण के विभिन्न रूप यानी वेरिएंट्स होने के कारण ही कोरोना की दूसरी लहर ने देश में व्यापक पहुंच बनाई और मौजूदा वेरिएंट नए वेरिएंट के लिए रास्ते बनाएंगे, जो घातक नहीं भी हो सकते और बहुत घातक भी हो सकते हैं। इनमें सर्वाधिक खतरनाक है डबल म्यूटेंट वायरस। वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के इस वेरिएंट को B.1.617 नाम दिया है। अब तक देश में कोरोना का ब्राजील, यूके, दक्षिण अफ्रीका आदि का वेरिएंट मिल चुका है। आइए जानते हैं सरकार का इस बारे में क्या कहना है। कोविड की पहली लहर के प्रसार में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता और सुरक्षा उपायों के संयोजन का प्रमुख योगदान रहा। दूसरी लहर के आने का कारण संक्रमण के नए तरीके रहे और कई बार प्रतिरक्षा भी संक्रमण को फैलने से रोकने में पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि इससे पहले कि लोगों में नई प्रतिरक्षा सीमा बने वे तब तक संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में छोटी होगी और इसलिए इसके इतनी बड़ी और प्रचंड रूप की आशंका नहीं की गई थी, लेकिन कई मापदंडों के फेर बदल से यह बेहद गंभीर हो गई। पहली लहर के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई वह सर्वव्यापी नहीं थी, क्योंकि पहले चरण में सावधानी बरतने की वजह से अप्रभावित रहने वाले लोगों की संख्या बड़ी थी, लेकिन पहले से संक्रमित कोई व्यक्ति अब दोबारा भी संक्रमित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक SARS-CoV-2 का विकास प्रतिरक्षा को कमजोर कर रहा है। यह खसरा और इन्फ्लुएंजा के बीच कहीं ठहरता है, लेकिन बदल जाएगा। हालांकि खसरा की प्रतिरक्षा कभी खत्म नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा में यह तेजी से जर्जर हो जाती है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। यद्यपि तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है, लेकिन इसका क्या असर होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरे चरण में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी, ट्रांसपोर्टेशन समेत कई समस्याएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेरिएंट अभी वायरस के नए नए स्ट्रेन बना रहे हैं, जिससे यह अलग रूप लेकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस समय जिस तरह से महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में तीसरी लहर आ जाती है तो परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में जानते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए।
सरकार इस महामारी के मद्देनजर कई व्यापक कदम उठा रही है, लेकिन अब यह और जरूरी है कि कोरोना के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए, क्योंकि अब यह एक लंबी लड़ाई नजर आती है। जिससे जीतना है तो ना सिर्फ इससे संबंधित प्रोटोकॉल्स को मानना होगा, बल्कि इसको सही तरीके से समझना भी होगा, तभी इस भयावह स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अब देश में 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ सुरक्षा उपायों जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजेशन आदि को फॉलो करते रहने की भी अभी बहुत आवश्यकता है, तभी इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए खतरनाक साबित हुई है, ऐसे में इसकी तीसरी लहर का भी अंदेशा लगाया जा रहा है, चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।